जनपद बागपत के ग्राम कमाला में भेंडीनाथ बाबा पर पिछले 27 दिनों से जलती तेज दोपहरी में बाबा कर रहे हैं अग्नि तपस्या। वहीं बात करें ग्राम वासियों की तो उनका कहना है कि अभी बाबा 41 दिनों तक यह अग्नि तपस्या पूरी करेंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट संवाददाता यश कौशिक के। नमस्कार, मैं यश, और इस वक्त हम मौजूद हैं बागपत के ग्राम कमाला में। यहाँ पे हमने अभी 4-5 दिन पहले हमें खबर मिली थी कि एक तपस्या बाबा करीबन 27 दिन से इस तपती दोपहरी में तपस्या कर रहे हैं, और हम आपको बता दें आज यहाँ की जो टेम्परेचर है वो करीबन 45 डिग्री के आसपास है, यानी कि कोई भी एक मिनट धूप में खड़ा होना तो दूर, एक सेकंड भी रुक नहीं सकते इस धूप में, क्योंकि इतना टेम्परेचर हाई यहाँ का है बहुत ज़्यादा। और अभी हम यहाँ पे आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे कि बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ से दिखाई दे रहे हैं आपको बाबा करीबन 27 दिन से तपस्या पे बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं धूपी नहीं बल्कि चारों तरफ धुने, यानी कि अग्नि के धुने लगाकर बैठे हुए हैं। और अभी हम यहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करेंगे कि बाबा कब से बैठे हैं और क्यों बैठे हैं। सिब्बो नाम है। तो बाबा, जैसे कि अभी महाराज जी तपस्या में बैठे हुए हैं, तो बाबा क्यों बैठे हैं और कब से बैठे हैं? बाबा अपनी सिद्धि करने के लिए बैठे हैं, और भी कोई ऐसा कोई टेंशन नहीं है उन्हें। साल में 2 बार तपस्या करते हैं, जड्डो में माह में खड़ी तपस्या और जेठ में धूना लगा के। तो बाबा कितने दिन से बैठे हुए हैं तपस्या पर? 27 दिन हो गए आज। 27 दिन हो गए हैं। 41 दिन तपस्या करनी है, यानी 41 दिन बैठेंगे जो तपस्या कर रहे हैं। 27 दिन आज पूरे हो चुके हैं। 27 दिन पूरे हो चुके हैं। 41 दिन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार। सचिन कुमार जी, आज जैसे कि आप यहाँ आए हैं बाबा की तपस्या में, तो मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? कमाले के। यहाँ के ही रहने वाले हैं आप? हाँ, कमाले गांव के। तो आप जैसे यहाँ आए हैं, काफी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, आज ऐसा क्या है, यानी कि इतनी भीड़ रोजाना रहती है या आज ही इतनी भीड़ है? यहाँ पर रोजाना ही इतनी भीड़ रहती है, भंडारे, और आज एक भंडारा भी है गाँव का, जो कि पूरे जेठ चलते रहते हैं यहाँ पे भंडारे, आखिर अधिकतर चलते रहते हैं, और बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पे आते ही रहते हैं लोग बाग। तो बाबा के दर्शन के लिए बाहर से भी आते हैं, गांव के लोग आए हुए हैं यहाँ पर? बाहर से भी आए हुए हैं। तो यानी कि इनका कहना है कि बाबा को यहाँ पर जो तपस्या में बैठे हैं, इन्हें देखने के लिए बल्कि गांव के ही नहीं बल्कि दिल्ली नोएडा तक के लोग यहाँ आते हैं। और आज यहाँ पे भंडारा क्या हुआ है, हम ही आपको दिखाएंगे यहाँ की कुछ, अभी हम वहाँ भी दिखाएंगे। और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जो बच्चे नहा रहे हैं, ये इसको बोलते हैं तीर्थ गंगा। जब बाबा तपस्या करने के बाद यहाँ करीबन तपस्या में जब उठेंगे तो 8 घंटे बाद वो यहाँ आएंगे और इसमें स्नान करेंगे। और अभी हम यहाँ पे कुछ बच्चे लोग खड़े हुए हैं, इनसे कुछ पूछते हैं। क्या नाम है आपका? गोली राणा। गोली राणा। तो गोली राणा जी, जैसी अब गर्मी पड़ रही है, कितनी गर्मी महसूस हो रही है? अब तो फिलहाल तो कुछ नहीं हो रही जी। अच्छा, नहाने के बाद नहीं हो रही, लेकिन अगर आपको बाहर खड़ा कर दिया जाए तो कितनी देर आप खड़े रह सकते हैं इस धूप में? मुश्किल तो 5 मिनट भी नहीं रुका जा। और बाबा तो करीबन 41 दिन तक धूप में बैठे हैं जी। 41 दिन तक, 3 घंटे तक। 3 घंटे तक बैठते ना दोपहर में। अच्छा, ये तीर्थ गंगा है, तो इसमें नहा के कैसा महसूस दे रहा है? बहुत अच्छा लग रहा जी। बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी नहीं लग रही? नहीं, गर्मी नहीं लग रही, आनंद आ रहा, पूरा पूरा आनंद आ रहा है।